बहुत शर्मीले हो तुम। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम आइंदा मेरे घर पे फोन नहीं करोगी। हाँ, नहीं करती। अगला हुक्म। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, तुम कहीं बाहर मिलना मुझसे। अगर मैं तुमसे बाहर मिलूंगी तो तुम्हारी बीवी देख लेगी। वो नहीं देखेगी। उससे बताने वाले बहुत हैं। यहाँ मेरे पास रहोगे तो मेरी जुल्फों में महफूज रहोगे तुम, बाहर निकलोगे तो पकड़े जाओगे। मैं तुम्हें अपने वजूद में छुपा लूंगा। क्या कर रही हो ये? बच्चे तो नहीं हो तुम? तुम्हें मिलने बुलाया था, मैं मिलने आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। अभी मेरे 2 घंटे पूरे नहीं हुए, चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, वरना तुम्हारे घर फोन करके कान खड़ा कर दूंगी मैं। अल्लाह हाफिज। आप बहुत बोर हैं मुनव्वर भाई। मैं बोर नहीं हूँ, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। कभी कभी तो सोचता हूँ मैं खुदकुशी कर लूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अब आपसे किस बात का पर्दा? मेरी बीवी बहुत बुरी। क्या आप शादीशुदा हो? हाँ, ऐसी शादी से तो बेहतर था मैं शादी ना करता। बहुत बेहिस है मेरी बीवी। रात को जब मैं अपने कमरे में जाता हूँ वो लाइट बंद करती है और सो जाती है। मैं सारी रात इधर उधर करवटें लेता रहता हूँ। अब तुम ही बताओ, इंसान शादी किस लिए करता है? सुकून के लिए ना। लेकिन मुझे मेरी बीवी से कोई सुकून नहीं मिला। आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तो उसे बहुत खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सब बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? तो आप उसको फारिग क्यों नहीं कर देते? लड़कियों की कमी थोड़ी है। काश। खैर, यहाँ पर आगे एक जूस कॉर्नर है, बहुत अच्छा जूस मिलता है वहाँ से, पियोगी? हाँ हाँ, जूस तो मैं पी ही लूंगी। वैसे भी ना आज मेरा घर जाने का कोई मूड नहीं है। आप मुझे मेरी कजन के घर छोड़ देंगे? पहले जूस पी। हाँ ठीक है। पता है, अम्मा सोचती होंगी कि मैं रोज कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आ जाती हूँ। वैसे फराज, हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे? बस कुछ दिन और, मैं अब्बू से बात कर रहा हूँ। देखो अरशद भाई के आने से पहले ना तुम प्लीज अपने घर वालों को भेज दो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि शादी के बाद तुम क्या काम करोगे? मुझे काम करने की क्या जरूरत है, अब्बू का इतना पैसा है ना।
उसमें चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। खैरियत, क्या हो गया अचानक? यार फ्रेंड का मैसेज आया, कुछ काम है मुझे। तो इसका मतलब है कि वो दोस्त मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया। दिखाओ किसका एसएमएस है। क्या छोड़ो ना, तुम देख के क्या करोगे? बस दिखाओ मुझे, पढ़ना उसका एसएमएस। एक्चुअली उसने बहुत गंदी लैंग्वेज में मैसेज किया है, इसलिए नहीं दिखा सकता। तो क्या हो गया, मैं नहीं पढ़ सकती? दिखाओ मुझे। एक घंटे में तुम्हारे 100 एसएमएस आ जाते हैं, आखिर कौन करता है इतने एसएमएस तुम्हें? तो पता नहीं मेरे कितने दोस्त हैं। तो इसका मतलब है कि लड़कियां भी तुम्हारी दोस्त हैं? नहीं बाबा, जरूर किसी लड़की का एसएमएस होगा, जब भी तुम मुझे नहीं दिखा रहे हो। उसमें चले, मुझे देर हो रही है। अच्छा यहाँ खड़ी क्या कर रही है? कुछ नहीं। क्या हुआ? अम्मा, हमारे नसीब इतने बुरे क्यों हैं? बात क्या हुई? अरे मुंह से फूटेगी भी नहीं, अब किस बात का दुख है? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, बस मेरा दिल उदास हो रहा है। क्या हमारे नसीब में कुछ खुशियां भी नहीं लिखी गई? ना तो मुकद्दर मैं बदल सकती हूँ ना तू। मायूस होने का क्या फायदा? आजा जरा कुंडी लगा ले, मैं जरा लुबना के घर तक जा रही हूँ। आजा। हेलो फराज, तुम्हें एक घंटे से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर बात नहीं करनी तो साफ साफ बता दो मुझे, मैं तुम्हारा दोबारा कॉल नहीं करूंगी। कुछ नहीं यार, बस लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारी डिलीवरी? डिलीवरी वो तो 2 दिन बाद बताई है डॉक्टर ने। फिर मैं तो बच्चा ही नहीं पैदा करना चाह रही थी, मगर वो अदील की बहन है ना नासरा आपा, उन्हें बच्चों का बहुत शौक है। उन्होंने कहा कि घर में बच्चा होना चाहिए ताकि घर में रौनक लगी रहे। तो अच्छी बात है ना, तुम भी मसरूफ रहोगी। क्यों, फारिग बैठी हूँ क्या? बहुत मसरूफ होती हूँ मैं। डिलीवरी के बाद मैं यूरोप जाऊंगी अदील के साथ वेकेशन पर, और वैसे भी बच्चे को तो नासरा आपा ही संभालेंगी। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं बच्चों की देखभाल करूँ, और जब इंसान के पास इतना सारा पैसा हो तो उसे खर्च तो करना होता है ना। तुम बताओ जमील कैसा है आजकल? ठीक ठाक तो है ना, क्या हालात हैं उसके? जमील बिल्कुल ठीक है, बस अपने कारोबार में मसरूफ रहता है आजकल। वो एक सहेली थी हमारी, क्या नाम था उसका? हाँ आलिया। हाँ? उसकी भी शादी हुई है ना अभी। अच्छा, बेचारी बहुत दुखी है, उसका शोहर भी बिल्कुल जमील जैसा ही है। मैंने उसे समझा दिया था कि परेशान ना हो, अपनी आशी को ही देख लो कैसे गुजारा कर रही है बेचारी। फरा तुम ये हर जगह मेरी मिसाल क्यों देती हो? मैं जमील के साथ बहुत खुश हूँ। ओफो, तुम तो खामखा दिल पर ही ले गई। अब तुम भले कुछ भी कहती रहो, जमील को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत प्यार करता है ना तुमसे? सिर्फ वो ही प्यार नहीं करता, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, ये कब हुआ? अच्छा सुनो, वो मुनास्टा आपा है ना, मेरे लिए खाना लेकर आई है, बहुत प्यार करती है मुझसे।
तुमने अपनी सप्लीमेंट्स खा ली? जी कब क्या? वेरी गुड, चलो अंदर चलो, अच्छा बाहर राहुल हो गया, तुम चलो आराम से। पता नहीं क्यों जलती है जमील से इतना फरा, उसे क्या पता जमील जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। खाना दे तो यार, बहुत भूख लगी है, दिन में भी कुछ नहीं खाया मैंने। ये मेरी मजबूरी है। वाह, खूब मजबूरी का फायदा उठाना आता है तुम्हें जमील। नहीं आश, मुझे फंसाया गया आश, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमको बताना चाह रहा था, मैं बस डर गया था।
वो एक औरत है, वो कुछ दिन अभी तक तो आग लग भी चुकी होगी, अब टूटेगी उस मंजूस जमील की अकड़। मुझे जानवर कहा था कमबख्त ने, बेचारा बहुत ही शरीफ आदमी है, तरस आता है उस पर। ये होता है अंजाम नजमा दुबई वाली से टकराने का। अब जमील तुम्हारे घर आएगा, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। गायब हो जाओ कहाँ? देखो मैं तो तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि जमील गुस्से में होगा, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जहां तक जमील का ताल्लुक है वो तो है ही ना मर्द, बेचारा शरीफ सा। हाय ऐसे मुफ्त में ही मारा गया। मुफ्त में कहाँ, पैसा खर्च किया मैंने। तो फिर लाओ मेरी रकम। दे दूंगी दे दूंगी, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। आशी की तलाक होगी फिर, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। अब आगे क्या करें बताती हूँ, बताती हूँ क्या करें। आशी मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारी कसम। मत खाओ मेरी कसम। ये वही औरत है ना जिसके इतने दिनों से फोन आ रहे थे, शमा। आशी मैं कैसे यकीन दिलाऊं, मैं नहीं जानता उसे, मुझे नहीं पता उसका मकसद क्या है, वो क्यों तंग कर रही है मुझे, मुझे कुछ नहीं पता है। तुम उस औरत को जानते नहीं हो, लेकिन उसके साथ तस्वीरें खिंचवा सकते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हर मर्द बाद में यही बहाने करता है। आशी मैं बहाना नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम मैं सच बोल रहा हूँ। वो ब्लैकमेल कर रही थी मुझे, मैं सिर्फ एक बार मिलने गया उसे, मुझसे कह रही थी कि मैं अगर उससे मिलने नहीं गया तो मेरा घर बर्बाद कर देगी। मैं सिर्फ अपना घर बचाने गया था। झूठ मत बोलो जमील, मैं अच्छी तरह देख रही हूँ तुम्हारी बदली हुई नजरें और नियत। अगर तुम्हारा मुझसे दिल भर गया था तो मुझसे वैसे ही कह देते। नहीं आशी, मैं सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। लानत है ऐसी मोहब्बत पर, आइंदा से बात मत कर। आशी आशी मेरा यकीन कर, हाथ हटाओ। आशी जमील मैंने कहा हाथ हटाओ। आशी मैं तुम्हें कैसे यकीन। हटाओ हाथ। हेलो हेलो, जमील है, मैं शमा बोल रही हूँ। क्यों फोन कर रही हो तुम यहाँ बार बार? देखो बहन मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बेहतर यही होगा कि प्लीज मेरी जमील से बात करवा दीजिए। बाजारी औरत, लोगों के घर बर्बाद करने वाली, क्यों पीछे पड़ी हो जमील के? हाँ मैं हूँ बाजारी औरत, लेकिन जमील भी तो बाजारी मर्द है ना, धोखेबाज कहीं का। क्या धोखा दिया उसने तुम्हें, जानबूझ के उसके पीछे पड़ी हो तुम? हो कौन तुम? मैं जमील की बीवी हूं। क्या? हाँ 3 महीने पहले जमील ने मुझसे निकाह किया था, और तो मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ बहन, 3 महीने पहले जमील ने मुझसे निकाह किया है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं बहन? जमील मुझसे बात भी नहीं कर रहा, इसीलिए मजबूरन मैंने अपनी और जमील की तस्वीरें तुम्हारे घर भेज दी। पूछो ना कभी तन
शमा वाह क्या बमबाट अदाकारी की है। मैं तो कहती हूँ अब तुम जाली निकाह नामा बनवा ही दो, लोहा गरम है, मैं भी हथौड़ा मार ही दूँ। हो जाएगा बस बस, मैं बहुत जल्द जाली निकाह नामा बनवा के आज भिजवा दूँ। हाँ अब मजा आएगा। मुझे जब सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा करोगे। चलोगी आँख में तो निशान है गाल पे उसके तो निशान। जी शमा कहाँ है? शमा वो तो हैदराबाद गई है। बुला शमा को। पीछे हट। शमा 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 कहाँ है शमा? वो बता के नहीं दी गई। वो उसका नंबर दे, उसका फोन ऑफ जा रहा है। नहीं मेरे पास नहीं नंबर उनका। कब आएगी वो? मैं मुलाजिम आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। हेलो। हाँ शमा जी वो जमील आया था आपका पूछ रहा था। हाँ जी बेहतर। आओ जनाब। जाओ ये होगी हमारी जन्नत। कैसा लगा घर? तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है फराज। फराज वाकई क्या तुम्हारे अम्मी अब्बू मान जाएंगे ना? अरे बाबा क्यों नहीं मानेंगे। चलो एक काम करते, अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे अम्मी और अब्बू नहीं मानेंगे तो मैं आज तुम्हारी अम्मी से बात करता हूँ और हम इसी महीने निकाह कर लेते हैं। अब खुश? वाकई ये सब हो सकता है क्या? अरे बाबा क्यों नहीं मानेंगे। देखो मैं एक खुद मुख्तार लड़का हूँ और ये फ्लैट भी मेरे नाम पे, मेरे अकाउंट भी अच्छे खासे पैसे हैं और मैं वैसे भी जो भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ और उन्हें वो बुरा भी नहीं लगता। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स मुझसे बाहर हैं, तुम्हें क्या पता लगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो फिर तुम आ जाओगे ना अम्मा से बात करने? हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो बुक्स रखो, बहुत ज्यादा पढ़ लिया तुमने। क्यों तारो? अरे नहीं वो तारो बाबा। फराज ये चूड़ियाँ किसकी हैं? अरे
हाँ जी, तुम्हारी मम्मी से कॉल पर बात करता हूँ, आके तफसीली बात करना उनसे। चलो मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। नहीं फराज, वो फिर कभी। अरे शादी तो कर रहा हूँ ना मैं तुमसे, आ जाओ। चलो फराज का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं किसी को बताए बगैर ही उस माँ से शादी कर लेता हूँ। जब माँ बाप यहाँ आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा खुद ही। अम्मा फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना है, मैंने कहा ठीक है हम तुम दोनों का निकाह कर देते हैं। कहने लगा आखिरी बार अम्मी से बात कर लूँ कि वो कब आएंगे, फिर शादी कर लूंगा। तुम्हें नहीं मिला फराज? नहीं अम्मा, वो उस दिन के बाद से तो मेरी बात ही नहीं हुई उससे। लड़का अच्छा है, घर भी अपना है, पैसा भी अच्छा खासा है। कह रहा था मैं छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेता हूँ। उसके माँ बाप बाहर हैं, पता नहीं वो आएंगे भी या नहीं। लड़का अकेला हो तो बेहतर है। हाँ माँ, पर अरशद भाई को कैसे बताएंगी आप? अरशद को क्या बताऊंगी, कह दूंगी रिश्ता आया था, मैंने हाँ कर दी, अरशद की तरफ से कोई भी मसला नहीं। अब उसका फोन आया ना तो मैं कह दूंगी उस्मा की शादी कर रही हूँ। खुश हो ना? जी अम्मा। खुश रहो। तो कर ली तुमने शादी शमा से? बिल्कुल तुम पे गया है। ए बीबी, ए क्यूटा बेबी, वैसे तुमने जाली निकाह नामा बनवा कैसे लिया? ये कौन सा मुश्किल काम है, चुटकी में बन जाता है, बस तालुकात होने चाहिए। छोड़ दो मुझे जमीन, और तुम अब इस घर में शमा को लेकर, मैं यहाँ एक मिनट और नहीं रुकूंगी। आशी प्लीज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ यार। जमील, इससे तो अच्छा था कि हम गरीब ही रहते। तुम्हारी तबीयत में
अयाशी तो ना थी।